हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारे प्यारे बुलन के ये बैंड्स लाई हूँ आपको, जो हाथ में बंध कर बहुत प्यारे लगेंगे। और इन्हें बनाने के लिए मैंने देखिए इस तरह से धागे को लिया है और नीचे मैंने एक मोती बांध लिया है ब्लैक कलर का, जो हमारी लटकन में रहेगा। और फिर सिंगल फंदे से मैंने इस तरह से चेन बनाती चली जाऊँगी। जितनी लंबी हमें डोरी चाहिए होगी अपने बैंड को बांधने के लिए, उतनी लंबी डोरी मैं बना लूँगी इस तरह से सिंगल फंदे से चेन बनाते हुए। और मैं इतनी बड़ी डोरी बनाने के बाद जितनी मुझे चाहिए, उसके बाद मैं इस तरह से देखिए तीन चेन छोड़कर चौथी चेन पे इस तरह से डबल क्रोशिया लपेट कर इस तरह से बुनूंगी, दो दो फंदे कम करते हुए इस तरह से। और फिर मैं पांच बार सिंगल फंदे से इस तरह से गिन के फिर मैं चेन बनाऊंगी ऊपर, और फिर मैं तीन चेन छोड़कर दो बार लपेट कर डबल क्रोशियो को इस तरह से फंदा लेकर दो दो फंदे बुनती जाऊंगी इस तरह से। और फिर इसी तरह से चेन बना लूंगी सिंगल फंदे से। जितना डिज़ाइन चाहिए होगा मैं अपने बैंड के लिए, उतनी चेन बनाने के बाद मैं इस तरह से दूसरी तरफ बैंड को बांधने के लिए इस तरह से बनाऊंगी, डोरी ना बनाते हुए इस तरह से काज की तरह चेन इस तरह से यहाँ पर जॉइंट कर दूंगी सिंगल फंदे से। और फिर दो बार सिंगल फंदे से इस तरह बुनने के बाद मैं जो मैंने डबल क्रोशिया बनाई थी वहाँ से इस तरह मैं आठ बार गिनकर डबल क्रोशिया बना लूंगी। मैं गिनकर डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, आठ बार डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी मैं। गिनकर आठ बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आगे जो चेन मैंने बीच में छोड़ी थी देखिए इस तरह से, मैं जो आगे चेन छोड़ी है उससे इस तरह से सिंगल फंदा बुन लूंगी। उस चेन में जितनी चेन होंगी उतने सिंगल फंदे बुन लूंगी। मेरी चेन में दो चेन के फंदे हैं, मैं और दो बार इसे बुनने के बाद आगे की डिज़ाइन से देखिए इस तरह से सिंगल फंदा लेकर इस तरह से बुन लूँगी। और फिर दो बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद मैं इस जगह की डिज़ाइन से भी आठ बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से गिनकर। इस तरह से आठ बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आगे की डिज़ाइन को उसी तरह से बनाती चली जाऊंगी जिस तरह से मैंने पहले बनाया था। और देखिए लास्ट में इसको भी इसी तरह से बना लूंगी। मैं अपने सारे जो डिज़ाइंस बनाए थे मैंने उन पे हर डिज़ाइन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूंगी, और लास्ट में इस तरह से सिंगल फंदा बनाने के बाद ये जो हमारी डोरी है उसे नीचे करते हुए मैं सिंगल फंदा बुनकर इस तरह से फिर दो बार सिंगल फंदा बुनकर और आगे इस तरफ से भी मैं आठ बार डबल क्रोशिया बुन लूँगी गिनकर।
गिनकर 8 बार डबल क्रोशिया बुनने के बाद जिस तरह से मैंने अपनी एक साइड से चेन बनाई थी, चेन वाली जगह पे इस तरफ से भी मैं दो बार चेन बना लूँगी उसी तरह से, और आगे की डिज़ाइन से फिर इसी तरह से इस तरह सिंगल बार फंदे लेने के बाद मैं दो बार चेन बना लूँगी सिंगल फंदे से, और फिर इसमें भी उसी तरह से जिस तरह से इसमें पीछे डिज़ाइन में बनाया था, इसमें भी गिनकर मैं 8 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। गिनकर 8 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद जिस तरह से मैंने पीछे वाली चेन पर इस तरह सिंगल फंदे से चेन बनाई थी उसी तरह इस जगह पर भी चेन बना लूँगी। इस तरह से देखिए, इसी तरह से मैंने सारे अपने डिज़ाइंस बना लिए हैं, और अब मैं बीच में जो गैप है मेरा, इसे देखने में अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से, तो मैं इसमें इस तरह से मोती लगा दूँगी अपनी पसंद के अनुसार, और इस तरह से सुई की सहायता से इस तरह से सिल दूँगी, और आगे की डिज़ाइन में भी पहले की तरह इस तरह से मोती लगा दूँगी। इसी तरह से मैं सारे अपने बैंड की डिज़ाइन पर मोती लगा दूँगी जो देखने में बहुत प्यारे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो ये बैंड्स तो आप ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो देखने में बहुत प्यारा लगेगा। देखिए कितना प्यारा है ये बैंड। और इसी तरह से मैं आज आपको दूसरा बैंड बनाना सिखाऊंगी क्रोशिए से, जो मैंने इस तरह से बनाया है। एक सिंगल चेन बनाई है मैंने सिंगल फंदे से 4 बार बुनकर, और मैं इस तरह से इसमें आगे मोती पिरो लूँगी और उसे भी सिंगल फंदे से इस तरह से इसके साथ सिल दूँगी, और फिर 4 बार मैं सिंगल फंदे से चेन बना लूँगी, और आगे की जो पहले चेन बुनी थी मैंने उसमें उसी तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूँगी। सिंगल फंदे से ज्वाइन करने के बाद अब मैं इसमें 5 बार गिनकर चेन बनाऊँ। पहले यहाँ से सिंगल फंदा ले लूँगी इस तरह से एक बार, और देखिए इस तरह से, और फिर चेन बनाऊँगी इसके ऊपर गिनकर 5 बार सिंगल फंदे से, और जो हमने सिंगल फंदा लिया पीछे से उसी से इस तरह से सिंगल फंदे के साथ बुन दूँगी, और फिर एक बार सिंगल फंदा लूँगी, और फिर चेन बनाऊँगी उसके ऊपर 5 बार, और पीछे के सिंगल फंदे से इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूँगी, और फिर आगे की चेन से फिर उसी तरह से सिंगल फंदा लूँगी, और फिर इस तरह से चेन बुन दूँगी 5 बार, और उसी सिंगल फंदे में
इस तरह से बुन दूंगी। उसके बाद फिर मैं सिंगल फंदा बुनूंगी इस तरह से, और फिर इसके ऊपर चेन बनाऊंगी 5 बार गिनकर, और फिर उस सिंगल फंदे से इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। और फिर सिंगल फंदा लूंगी और फिर उसके ऊपर चेन बनाऊंगी 5 बार सिंगल फंदे से, और फिर डिज़ाइन में सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। ऐसा मैं 8 बार करूंगी, क्योंकि हमें अपने फ्लावर के लिए 8 कलियां चाहिए हैं। और उसके बाद लास्ट में सिंगल फंदे से बुनने के बाद फिर मैं चेन बुन दूंगी 5 बार और वहीं सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। आठ कलियां बनने के बाद मैं इस तरह से सिंगल फंदा बुनूंगी। और जैसे मैंने पहले मोती लगाया था अपने उसमें डिज़ाइन में, उसी तरह से मैं फिर मोती लगा लूँगी और चेन बना लूँगी 4 बार और पीछे की डिज़ाइन से जो चेन है हमारी उससे ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से और इधर से भी हम 4 बार चेन बुनकर ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। और फिर इस तरह से सिंगल फंदा लेने के बाद हम फिर पहले की तरह ही लीप्स बनाते चले जाएंगे। उसके बाद फिर आगे की डिज़ाइन के लिए उसी तरह चेन बनाने के बाद हम 4 बार इस तरह से फिर मोती फंसा लेंगे अपने डिज़ाइन में और उसको भी बुन देंगे सिंगल फंदे से, और फिर 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद पहले डिज़ाइन की तरह ही नीचे की चेन में ज्वाइंट कर देंगे सिंगल फंदे से इस तरह से। और फिर 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद आगे की चेन में जहाँ से मैंने ऊपर से शुरू की थी चेन इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। और पहले जैसे 2 बार हमने फ्लावर बनाए हैं उसी तरह से बनाते चले जाएंगे। और लास्ट में देखिए इस तरह से मैं इस तरह से, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा बैंड। और लास्ट में मैं सिंगल फंदे से चेन बुन दूंगी इस तरह की, और मोती लगा दिया है मैंने जो देखने में सुंदर लगे, और फिर दूसरी तरफ भी उसी तरह से सिंगल फंदे की चेन बना दूंगी। तो अगर इस तरह के बैंड्स क्रोशिए से बनाना पसंद आया हो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।